अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब व्यूअर्स खुश होंगे। और मेरा अल्लाह जल्ल शानहु से दुआ है, अल्लाह जल्ल शानहु आप सब लोगों को खुश रखे। आप लोगों के सामने जो किताब दिखा रहा है, उर्दू फ़ज़ाइल आमाल शेख हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहिब। इस किताब से हम नमाज के हवाले से कुछ अहादीस आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया है, वो पुश्तों की फ़ज़ाइल आमाल से मनाया था। जिन लोगों को पुश्तों नहीं आती, इसके लिए मैंने उर्दू वाली फ़ज़ाइल आमाल से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर जो हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद पांच सुतून पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह जल्ल शानहू के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल है। इसके बाद नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। हज़रत अबू ज़र जनहू फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली, इसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र मुसलमान बंदा, जब इखलास के साथ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो इससे इसके गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे ही पत्ते दरख से गिर रहे हैं। अबू उस्मान जनहू कहते हैं कि मैं हर सलमान जनहू के साथ एक दरख के नीचे था। उन्होंने इस दरख की एक खुशक टहनी पकड़ कर इसको हरकत दी जिससे इसके पत्ते गिर गए। फिर मुझसे कहने लगे कि अबू उस्मान, तुमने मुझसे ये न पूछा कि मैंने ये क्यों किया। मैंने कहा बता दीजिए क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दरख के नीचे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दरख की एक खुशक टहनी पकड़ कर इसी तरह किया था जिससे इसके टहनी के पत्ते जल गए थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि सलमान पूछने नहीं कि मैंने इसी तरह क्यों किया। मैंने अर्ज़ किया क्या बता दीजिए क्यों किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया था कि जब मुसलमान अच्छी तरह से वज़ू करता है फिर पांचवा नमाज़ें पढ़ता है तो इसकी हताए इससे ऐसे ही गिर जाती है जैसे ही पत्ते गिरते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के आयत अकीमुस सलात तर्बिन नहारी तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा ये है कि क़ायम कर नमाज को दिन के दोनों सरों में और रात के कुछ हिस्सों में, बेशक नीकियां दूर कर देती है गुनाहों को। ये नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने राय का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।